अरे हम सर रहे गीता जी की फोटो, हम लोग अभी टाइम लगेगा। अरे अरे टिकटॉक ने एकदम बनाया, एकदम फेमस पोस्ट कर दिया। अब इसको लगेगा, एक भाई इधर भी लो ना, इसको ऐसे बिना हिलाए क्या मालूम है। रखो भाई, एक इधर भी ले लो ना, हम लोग का भी फोटो। हाँ भाई अरुण, मेरा फोटो ले लो, कोई बात नहीं भाई, घर जाके देखना। हाँ भाई, हाँ भाई, और सुनो। हाँ भाई, फ्राई पैन में ऐसे ऐसे तवे से करना, भूलेगी नहीं। चलो बाइक कर लो। ये भाई फुल फिल्म, मतलब मैं अभी तक मूव हो रखा हूँ, और अभी तक सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्री में हुई हैं वो अभी आई एम टेकिंग इट इन। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द पहले कोई नहीं मैम है, आई थिंक आई एम मूव्ड। अभी देखो मेरे रोंटे तक खड़े हुए हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म, एडिटिंग खतरनाक है, कैमरा वर्क खतरनाक है, म्यूजिक इज़ ऑसम, डायरेक्शन इज़ ऑसम, और डेरेन सर कमाल की ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म। क्या बात है, क्या कुछ सीखने मिला इस फिल्म में यार? ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई मैं एक पेपर लेके गया था, पेन लेके गया था, क्या क्या सीख, आज मैं बाहर पिक्चर देखने जा रहा हूँ, क्या क्या सीखने जाऊँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई फिल्म ज़रूरी नहीं है कि फिल्म, आप फिल्म देखने जाओ तो आप सीख के आओगे कुछ। मैं वहाँ पर ठहरा, ठहरना ज़रूरी है। आप वहाँ ठहर के फिल्म देखोगे, आप जॉब करोगे। बीच में रोया भी मैं, हाँ। अरे अब आप फिल्म में, फिल्म रुलाती है, हंसाती है, एंड इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म, बस डॉक्यूमेंट्री यार। अच्छा मज़ा आया मुझे। पेयर और पेयर भाई ने बहुत कमाल काम किया, जो डायरेक्टर है। और कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल कैमरा लाए आप, ये लाए हुए यार, बढ़िया क्लिक किया वहाँ पर आपने। हाँ मैंने सर टेरेन सर की फ़ोटोज़ क्लिक करी, जो जो मेरे सामने आया इंटरेस्टिंग सा आदमी उसकी फ़ोटो क्लिक करी, और बस जहाँ मौका मिलता है क्लिक कर देता हूँ यार। बड़े बाल का अभी और करते हो, सवाल आते जाएंगे तुम्हारे। कौन से बहुत चेंज करके आए हैं, बहुत डिफरेंट अंदाज में आए। कुछ चेंज नहीं यार, बस नहा के निकला और सुखाया नहीं, कुछ चेंज नहीं है, बस नहाया और कंघी नहीं मारी। आप भी ऐसे, आपकी बन जाएंगे सेम स्टाइल। वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये अलग एक माहौल है। अपकमिंग प्रोजेक्ट बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी फोटो आई है द कश्मीर फाइल, लोग बहुत देखने जा रहे हैं। I don't know, आपने देखी है कि नहीं देखी? मैंने अभी तक देखी नहीं है, इंडस्ट्री का पार्ट है। अभी मैंने देखी नहीं अभी तक। हाँ मैं जाऊँगा, मेरी फैमिली ने सबने देख लिया, सब ठीक। अरे सब टीके लगा के घूम रहे हैं, गजब। उनको तो पागल हो गए हो सारे मेरे घर में, उत्तराखंड में। हाँ हाँ हाँ, सब सब सब, पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी सब ने, सब ने। बढ़िया बढ़िया फिल्म है, तो आप भी देखेंगे? मैं देखूंगा अभी, मैं अभी भी आया हूँ यार। मैं गांव में था जहाँ थिएटर होते नहीं है, तो मैं गांव में था। काफ़ी 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 लोग मैंने देखा है, थिएटर के बाद के रिएक्शन काफ़ी देखे हैं कि मारो काट दो। तो मेरे लिए तो आर्ट इज़ समथिंग विच बाइंड्स पीपल टुगेदर, सो आई डोंट नो इफ आई विल बी सो इंस्पायर्ड बाई वॉचिंग दैट फिल्म, बट इट्स फाइन। फिल्म है, देखेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ होगा। चलो बाबा, ट्वीट भी करेंगे आप? नहीं यार, ट्वीट नहीं करेंगे, क्रिकेट खेलूंगा। नहीं, इनके बाल बिखरे हुए थे क्या? खुद के बना रहे हैं तो इनके भी बना लिए। इनका काम ऐसे, देखिए क्या क्या पकड़ा हुआ है, बाल ऐसे ठीक करने का मौका नहीं मिलता। हम आते तो ऐसे सवरते हैं ना पूरा ऐसे, वो बेचारी को मौका ही नहीं मिलता। सॉरी, एक्सट्रीमली हैप्पी। एक तो कोई बाहर से जब भी आता है ना, तो हमारे शहर को बड़े अलग नज़रिए से देखता है। अक्सर गटर, स्लम, भूख, बीमारी यही दिखती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट somebody has shot Mumbai for the happy Mumbai that it is. ये शहर बहुत अलग है अगर लोगों का नज़रिया बदल जाए देखने का, जो बाहर से आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी पियर ने इस फिल्म को बहुत प्यार से शूट किया है, बहुत प्यार से देखा है मुंबई को, और सबसे प्यार से मेरे दोस्त को देखा है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक अलग पहलू मैंने आज देखा है मेरे दोस्त का। आई एम
ओवरवेल्म्ड क्योंकि जब भी मैं टेरेंस से मिली हूँ टेरेंस ने हमेशा ही इज़ वेरी हैप्पी ही इज़ ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ ही इज़ गॉट एनर्जी वो प्रोटेक्टिव हैं हैप्पी हैं खुश हैं यू नो जोशीले हैं और ये एक अलग पहलू है उनका विच इज़ क्वाइट और रीज़न क्या है आज पता चला है हम सब अकेले हैं हम घर जाते हैं वी ऑल वॉन्ट दैट क्वाइट टाइम लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से बोला है उन्होंने आज समझ आया कि वाई दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जब हम आते हैं हम इस एनर्जी में आते हैं ज़रूरी है कि हम थोड़े शांत हो जाएं तो एक अलग एनर्जी हमको मिलती है टू कैरी ऑन द नेक्स्ट डे सो इट्स गुड हमें इस ज़िंदगी और भगदड़ में रिफ्लेक्टिव टाइम नहीं मिलता कि खुद के बारे में सोचें हम वो ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर अगला दिन अगला समय क्या होगा अगला हमको क्या करना है कौन सी स्टोरी डालनी है कौन सी इंटरव्यू देनी है क्या कपड़े पहनेंगे एयरपोर्ट पे क्या दिखना है इससे थोड़ा अगर पीछे हट के हम बैठे सोचें तो वी हैव अ वंडरफुल लाइफ दैट वी नीड टू थिंक अबाउट वेरी हैप्पी कि किसी ने टेरेंस के बारे में क्योंकि हमारे फील्ड से वैसे कम लोगों को चुनते हैं कोई भी उनकी कहानी जानने के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि टेरेंस हैज गॉट हिज मोमेंट ये डॉक्यूमेंट्री हर किसी को देखनी चाहिए और टेरेंस आएगा तो यही बोलेगा कि मत देखिए मैं कहूँगी प्लीज़ देखिए उनके भी एक अंदाज और उनके नज़रिए से दुनिया देखिए हमारी दुनिया कैसी होती है सो रियली हैप्पी थैंक यू गुड नाइट एवरी वन गॉड ब्लेस थैंक यू फीडबैक यही है कि जैसे टेरेंस है वैसे ही है पर उसका कॉमर्स साइड है यू नो वो इतने जो स्टार परफॉर्मर है एक्टिव होते हैं स्टेज पर जैसे जजिंग करते हैं लेकिन यहाँ एकदम काम और उसका रियलनेस जो हमने देखा नहीं था मैं उसको बहुत बचपन से जानता हूँ लेकिन अभी क्या उसके जो यू नो अंदर की आत्मा ना वो देखने मिली थी वेरी काम एंड कूल एंड रियली केम टू नो दैट अच्छा ऐसा भी है टेरेंस ऐसे भी है मैं उनको जानता नहीं था तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे मेरा प्रोजेक्ट अभी बहुत टाइम है नवंबर दिसंबर में शूट करूंगा फिर बाद में बहुत लंबा है जॉनर क्या होगा एक बायोपिक ही आ रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब हमारा कोई अच्छा मित्र इतनी परफॉर्मेंस मैंने आपके जो मैंने नहीं देखी है लेकिन जो गेस्ट देखकर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा है अब तक किस अंदाज में उन्हें भी नहीं पता था कि पेरेंट्स ऐसे कर सकते हैं तो ये कुछ आप ये जो फीडबैक आ रहा है इसके बारे में कुछ कहेंगे हाँ अच्छा लग रहा है थोड़ा डरा हुआ था बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट्री है काफ़ी स्लो है और वो एक फ्रेंच वाले इंसान ने बनाया डायरेक्टर ने बनाया तो वो उनका बहुत अलग अंदाज़ होता है उसमें बहुत ठहराव होता है और वो बहुत गहराई में सोचते हैं तो मुझे डर था कि लोग थोड़ा मतलब बोर हो जाएंगे कि क्या बोल रहा है क्या हो रहा है बट आई एम हैप्पी कि लोगों ने वो समझा है बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब जैसे मैंने कहा था कि फिल्म में भी वी ऑल रनिंग टू स्टैंड स्टिल हम दौड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं वो सुकून मिले लाइफ में और आई थिंक हम जब टीवी पे आते हैं या जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो हमें एक चेहरा लेके आते हैं लेकिन एक दूसरा चेहरा है जब हम पूरा मैं हम घर पे जाते हैं कपड़े निकालते हैं बैठ जाते हैं और एक अलग जोन में चले जाते हैं वो चेहरे हम दिखाते नहीं हैं हमारे पास काफ़ी आप या मैं अलग नहीं हैं हमारे कई पहलू होते हैं आप जब काम करते एक अलग इंसान होते हैं जब आप अपने निजी लोगों के साथ एक अलग व्यवहार होता है और जब आप अकेले रहते हो तो वो भी एक अकेला एक अलग पहलू है तो वो जो अकेलापन है और जो कॉन्ट्रास्ट है मेरी लाइफ में कि मैं लोगों को बहुत चाहता हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी एनर्जी देता हूँ लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे मैं अकेलेपन में मैं महफूस हूँ तो वो चीज़ें जो थी जो ठहराव जो गहराई थी वो लोगों को पसंद आई जो मुझे लगा कि शायद ओनली आर्टिस्टिक लोगों को ही अच्छा लगेगा जो मासेज है शायद वो बोलेंगे कि यार इसमें मसाला नहीं था इसमें कोई मोमेंट नहीं था इसमें यू नो तेज़ी से नहीं जोड़ रहा था तो शायद उनको झटपट चीज़ें चाहिए क्योंकि आज के इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में क्या होता है कि 15 सेकंड में हमको एंटरटेन करना है तो वो ठहराव गई है ज़िंदगी निकल गई है ज़िंदगी से तो मुझे उसका डर था लेकिन लोगों जिस तरीके से उन्होंने उनको अच्छा लगा है मैं अभी थोड़ा खुश हूँ थोड़ा लेस नर्वस हूँ मैंने सुना कि मतलब हम जब भी देखते हैं कि बाहर का कोई डायरेक्टर आता है मुंबई की गलियों को मुंबई के गरीबी को ये सब नहीं दिखा यहाँ पर
काफी डिफरेंट, मैंने नहीं देखी है लेकिन जितना मैं सुन रहा हूं क्या है कि जनरली जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज यू नो जब भी मैं अब्रॉड जाता हूँ सिखाने, कई बार जाता हूँ, मेरी पूरी जो स्टोरी है, मतलब जो काम करता हूँ 90% टाइम इज लॉट ऑफ अब्रॉड, जब मैं सिखाता हूँ तो उनको लगता है एक ही इंडिया है स्लम डॉग मिलने वाला, और वो मतलब कि वो नहीं है, वो हमारा सच, वो एक छोटा सा सेक्शन है, एक हमारे देश में बहुत सारे लोग अलग तरीके की लाइफ जीते हैं, हाँ हमारे में स्ट्रगल है, मिडिल क्लास है, बट सुकून से भी जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग हैं, और एक ही स्टीरियोटाइप जो चलाता है, आइदर इट्स बॉलीवुड और इट इज़ एक्सट्रीम गरीबी, ना दैट इज़ नॉट फेयर, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं हमारा इंडिया का। तो मैंने यही चीज़ उनको बताई थी कि आई डोंट वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ शो इंडिया इन अ नेगेटिव वे, दैट इज़ वन, टू इज़ आई वॉन्ट टू मेक इंडिया मोर यूनिवर्सल वे, तो जो भी आप दिखा रहे हो ऐसा लगना चाहिए कि जो बाहर भी लोग देखें कि ये तो हमारी भी सच्चाई है। तो जिस तरीके से उसने दिखाया और जो पहलू उसने सिलेक्ट किया है उसकी मैं दाद दूंगा, बिकॉज बहुत यंग है वो, 21 ईयर्स का था जब उसने शॉट शूट किया था और अब वो 25 साल का हो चुका है, बट उसका जो विजन है वो तगड़ा है और वो बहुत अलग, बहुत ही अनोखे यू नो अंदाज से वो देखता है, और ये उनकी फ्रेंच ट्रेनिंग भी है क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो उन्होंने वही चीज़ें जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर जो हलचल जो चल रही है लाइफ में, यू नो हम सब में वो एक हलचल है कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या करना है, कोई भी पूछा है अच्छा अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, यही चीज़ आपको प्रेशर में डालती है कि हाँ मेरे लाइफ में क्या हो रहा है अभी नेक्स्ट, पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है, सो देयर सो मच प्रेशर टू ऑलवेज से समथिंग, एंड समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इट्स ओके टू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, अपने अकेलेपन में अपने बोर्डम से एक अपनापन यू नो समझ के आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लाइफ में ऑलवेज पीपल टेल यू कि हाईज बहुत होना चाहिए, हाई हाई हाई, बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट कि हर एक टाइम हाई होगा आपकी लाइफ में, एक लो भी आता है, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुली कैप्चर्ड, तो यही है। एक्टर इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि कंटेंट आ गया है, करेक्ट, तो क्या हम ऐसा माने कि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे, शुक्र है तक जो आपको एक हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा एक डांसर मिलेगी, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा एक्टर भी इसके जरिए बहुत जल्दी मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ, बाय द वे आपको पहली बार हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े दो दिन के बाद होने वाला है, लेकिन अभी बता देता हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर है और आज उसका यू नो लुक रिवील हुआ है, टी सीरीज यू नो के साथ मैंने गाना रिलीज़ किया है, जो अभी 26th म्यूज़िक वीडियो जो मैंने गाया है, हाँ ये 26 को सैटरडे को रिलीज़ होने वाला है यूट्यूब टी सीरीज़ के चैनल पे, मेन चैनल पे, और मैंने 2 साल की उसकी ट्रेनिंग ली लॉकडाउन में, कुछ था नहीं तो मैंने अपने जो एक अरमान थे बचपन में जो शायद कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए वो आप जाके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, तो मैंने 2 साल की ट्रेनिंग ली और वो गाना आज रिलीज़ 26 को रिलीज़ होगा, तो वो होने वाला है इस सैटरडे, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे एज अ जज एज अ डांसर, जिसमें बहुत सारी खामियाँ थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट, इंडिया की पीपल ना जब प्यार करते हैं ना तो कुछ अलग लेवल पर प्यार करते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, आई होप कि वो ये गाना को भी पसंद करे, बहुत प्यारा वाला गाना दिया है, और ये गाना मैंने ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया ताकि वो उसको गा सके, ईजी सॉन्ग जो सब गा सके, यू नो यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट सिंगर, द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और राहुल जैन ने इसको कंपोज किया है, वंदना जी ने लिखा है, सौरभ प्रजापी जो मेरा स्टूडेंट है उसने डायरेक्ट किया है, मारुक ने इसकी यू नो रचना की है स्टोरी की, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, और उसके बाद एक दूसरा अनाउंसमेंट भी आ रहा है एक फिल्म के बारे में जो मैंने लिखी थी और अब जाके वो अभी मुकम्मल हो रहा है, प्रोडक्शन हाउस जुड़ गया है, वी आर लुकिंग फॉर द स्टार कास्ट नाउ, तो वो पूरा इस नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा, सो लिखी है और उसमें मैं फीचर भी हो रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म में कोरियोग्राफर के बारे में, तो वेल इन स्कूल मैंने 3 बार यू नो एक हो ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है ना जो सब में अच्छा करता हो, तो 3 बार मैंने हासिल किया है, तो एज अ स्टूडेंट आई ऑलवेज बीन समबडी हु एंजॉयड एवरीथिंग, मैंने अपने लाइफ में ऑलवेज ओपन बुक की तरह ऐसा क्यों नहीं ट्राई करो, यू नो फेल हो जाओगे, डर भी है कि अगर फेल हो गया फ्लॉप होगा लोग ताने मारेंगे क्या कर रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑल्सो, जब आप कुछ बन जाते हैं ना तो ज़्यादा डर होता है कि यार कैसे लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, बट फॉर्चुनेटली आई एम वेरी ग्राउंडेड और मेहनत के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी मैं करता हूँ मैं सोचता हूँ कि अपने मनमानी नहीं करनी है उसको, इफ़ यू आर गोइंग देयर एज एन एक्टर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, तो मैंने एक्टिंग की पूरी कोर्स की है ऑलरेडी, आई हैव डन थिएटर ऑल माई लाइफ इन स्कूल, तो मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंस भी है, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, एंड एज अ डायरेक्टर ऑल्सो आई फील देयर विल बी अ को डायरेक्शन इन दिस फिल्म,
क्योंकि इट्स अ म्यूजिकल एंड इट्स अ फर्स्ट कंटेम्प्रेरी डांस म्यूजिकल, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, जब हो जाएगा तो अमेजिंग होगा. यस, अ डायरेक्टर, हमारे यंग डायरेक्टर है, फ्रेंच डायरेक्टर पियर. पियर इन इंग्लिश, कैन यू से समथिंग इन हिंदी? गा सकते हो आप हिंदी में? कुछ कुछ सिखाया है? कुछ कुछ सिखाया है भाई. मेरे या ओ पिया, शौकीन है बॉलीवुड फिल्मों का. I met him by chance in Corsica. Maybe he spoke about. मैं घूम रहा था वहाँ पे, वो भी थे उसी campsite पे, तो वहाँ वैसे हम मिले. एक बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रेंज कहानी है. मैं मुझे रूम नहीं मिल रहा था एक जगह पे जहाँ पे मैं हॉलीडे के लिए गया था, और उन लोगों ने मुझे campsite दे दिया, और फिर वो उस जगह पे काम कर रहा था, और तो वहाँ से हमारी दोस्ती बनी. और फिर उन्होंने जाना कि मेरा इंटरेस्ट है बहुत चीज़ों में, और मैंने जाना. आई ऑल्सो रियलाइज दैट ही इज़ अ यंग फ्रेंच डायरेक्टर ऑल्सो इन द मेकिंग. तो फिर वहाँ से हमारी दोस्ती बनी, एंड देन ही केम टू इंडिया. मैंने बोला कि आ जा इंडिया, देख ले थोड़ा इंडिया, मैं तेरे कंट्री में आया, तू भी मेरे कंट्री में आके देख क्या होता है. तो बहुत पसंद आया उनको. गो अहेड. या ऑफ कोर्स, आई फेल इन लव विद इंडिया, एंड बिफोर मीटिंग टेरेंस आई न्यू नथिंग अबाउट इंडिया. इट्स जस्ट दिस मीटिंग बाय चांस व्हिच गेव मी द पॉसिबिलिटी टू गो टू इंडिया, टू डिस्कवर इंडिया एंड स्पेशली मुंबई. एंड आई हैव डिस्कवर्ड द लाइफ ऑफ टेरेंस, बट not the life that all the people know. They have discovered the life, his intimacy, when he's alone, when he goes alone to the park, etc. And I was very fascinated about that, because I felt the same thing about Mumbai and a lot of cities in India. I felt something very lonely in all the cities, even if there is a lot of noise, even if there is a lot of traffic, even if there are a lot of people, there are a lot of energy, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं. And this paradox interested me a lot, and I proposed to Terence, can I come 3 months to follow you in your daily life, but not in the TV shows, not when you perform. I want to follow you really in your daily life, when you are alone in your car, when you are alone. At the beginning, you didn't understand why. क्यों? मेरा फिल्म शूटिंग के लिए आओ, देखो क्या होता है, BTS ले लो, बिहाइंड द सीन्स. नहीं नहीं, वो सब नहीं चाहिए, वो सब लोग ने देख लिया है. जब आप घर पे अकेले रहते हो, जब आप अपने कुत्ते को लेकर बाहर जाते हो, जब आप अपने आप में रहते हो, तो वहाँ पर एक अलग रूप हमने देखा है. तो बोला कि वो किसी को देखने की ज़रूरत है? तो हाँ, उसमें भी एक इंसान है, और वो इंसान हम दिखाना चाहते हैं. तो हिंदी की कितनी ट्रेनिंग दी आपने? अभी गाना सिखा दिया उनको. एक और गाना गाते हैं. व्हाट इज दैट सॉन्ग दैट यू गिटार भी बजाते हैं? तो वो गाना सुन साथिया. या फ्रॉम रेमो. व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू सिंग. सिंग. ओके. सुन साथिया माहिया बारिशा दे इश्का के. सिखाया ना अच्छा, क्योंकि उसको एक इंडियन गर्ल चाहिए. गाना सीख लो तो इम्प्रेस करने के लिए गाना बजा दो, लड़कियाँ ऐसी पड़ जाएगी आपको. I wish I could act in Bollywood movies in the future, and I could be a director here, but with my style. I have written many other projects, especially one feature, the story of one guy, French, of 26 years old, almost my story, being 1 year in Mumbai, and who is going to meet a lot of Indians, etc. And I wish I could shoot it in the next 2 years. Yeah. Great. Thank you. Sure. Hi, Sushant. How are you? Thank you. Keep the pictures. The picture is the one that's up there.